1993 जमशेदपुर का चर्चित हत्याकांड टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष बीजी गोपाल हत्याकांड मामले में आजीवन सजा काट रहे सजा अब तक कुणाल जैना को आज अच्छे आचरण के लिए सजा के पूर्व ही रिहा कर दिया गया। अच्छे आचरण को देखते हुए अन्य मामलों के दो सजाप्तों को भी सजा पूरा होने के पहले ही रिहा कर दिया गया। आपको बता दें 14 अक्टूबर 1993 को दोपहर के वक्त टाटा वर्कर्स यूनियन अध्यक्ष बीजी गोपाल अपने अंगरक्षक के साथ बिष्टुपुर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय से निकल रहे थे, तभी उनको गोली मारकर हत्या की कर दी गई थी, जहां उनके अंगरक्षक को भी मौत हो गई थी। इस मामले में निवर्तमान मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के हस्तक्षेप से मामले की सीबीआई जांच भी करवाई गई थी, जिसमें कुणाल जाना समेत दो अन्य लोगों को सजा सुनाई गई थी। 17 साल बाद अच्छे आचरण को देखते हुए कुणाल जाना को रिहा कर दिया गया। अच्छे आचरण पर रिहा करने की नीति के तहत दो अन्य मामलों के सजाप्त को भी रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद कुणाल जाना ने अपने आप को निर्दोष बताया। ये 1993 का घटना है, टाटा वर्कर्स यूनियन प्रेसिडेंट माननीय स्वर्गीय जीजी गोपाल जी को हत्या किया गया था, उसमें हम निर्दोष होते हुए 17 साल जेल में रहे। मेरे ऊपर में कोई भी एलिगेशन नहीं था, कि एक मेरे ऊपर यही एलिगेशन था जब घटना घटा के वो लोग जा रहे थे, अपराधी लोग जा रहे थे, तो हमको बाहर में देखा गया गाड़ी स्टार्ट करते हुए, इसके लिए मैं दोषी हो गया हूँ बोल करके। एक्चुअली मुझे बोला गया था आप सरकारी गवाह बन जाइए, मैं बोला गया सरकारी गवाह मैं नहीं बनूंगा, जिसके चलते आज मैं 17 साल जेल में रहा। इस घटना के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं था, जेल आने के बाद में हमको पता चला, और इससे हम माने 17 साल जेल में रहे इस बात का हमको दुखी नहीं है। दुख इस बात का है कि समाज में इस घटना का चलते मेरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और मुझे भी होना पड़ा, और जेल में 17 साल में हम बहुत कुछ खोए हैं, लेकिन एक चीज़ पाए हैं कि जो जीवन जो है वो सेवा ही मानवता का अधिकार है, क्योंकि सेवा निकलने के बाद यही मैं ये किया हूँ कि सेवा करना है समाज को और अपना परिवार का साथ में समाज का भी भला करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, समझे। और दूसरी बात क्या है कि देखिए जेल में रहते हुए मैंने इससे जुड़ा हुआ था समाज सेवा का चलते, जेल में करीब करीब 400 बंदी निरक्षर आदिवासी बंदियों को हमने शिक्षित किया, उसके बाद फिर 208 बंदियों को, जो ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि था कि उनके साथ में मोटिवेटेड करते हुए उनको और अपराध से मुक्त होकर के समाज मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हमने प्रतिज्ञा करवाया था। जेल सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम के जो थे, और आज खुशी है कि उस बात से कि आज दोबारा वो लोगों कम से कम 200 से ज़्यादा बंदी दोबारा नहीं आया, समझे। और इसी यही अपना काज का कर्म को देखते हुए समाज में मैंने एक प्रतिज्ञा लेके निकला हूँ, एक संकल्प लेके निकला हूँ कि समाज को अपराध मुक्त करने में हम आगे बहुत काम करेंगे। इसके प्रति हमारे संगठन, ये जो संगठन है हमारे झारखंड इनोवेटिव लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन के माध्यम से इसमें जो जुड़े हुए हैं बहुत से हमारे कर्मकर्ता, तो 200-300 आदमी जुड़े हुए हैं हर क्षेत्र से, ये लोग भी हम लोग से मिल करके जब हम पेरोल में निकलते थे तो इस तरह का हम लोग बात करते थे, तो ये लोग भी बहुत खुशी है कि चलो समाज से अपराध मुक्त करने के लिए आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, पूरी सजा पूरी करने के बाद आप निकले कि आपको पहले ही आचरण को देखते हुए आपको रिहा? मेरे अच्छे आचरण को देखते हुए 2020 में प्रपोजल किया हुआ था पहले, तो उस टाइम में कोर्ट का मंतव्य खराब था, मैंने नेगेटिव था बोल के हमको नहीं छोड़ा गया। फिर 21 में गया तो पेंडिंग रखा गया, 22 में फिर से रिजेक्ट किया गया, उसका कोई कारण नहीं बताया गया। 23 में हमें कारामुक्त किया गया हमारा आचरण देखते हुए और जेल में किया हुआ काम के साथ सब कुछ देखते हुए। कितने आपके साथ आज कितने लोग रिहा हो रहे? साथ में आज टोटल यहाँ से 8 बंदी को छोड़ा गया था, आज पहले छोड़ दिया गया, 2-3 दिन पहले छोड़ दिया, आज 3 बंदी छूटे हैं। तो 3 जो है वो अलग अलग मामलों में है? जी, अलग अलग मामले। आपका पूरा परिचय? मेरा कुणाल जैना और सिद्धौड़ा में मैं बासी हूँ। ठीक, और बस खाली आप लोग से रिक्वेस्ट, बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग आए। एक सरकार का तो आभार है ही, बिना सरकार का तो हम छूटे नहीं। अच्छा, वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि किस, क्योंकि आप लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो जेल ना जाना पड़े ऐसा कोई काम ना करे, ऐसे युवाओं के लिए क्या आह्वान करेंगे आप? बस एक युवाओं का यही मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि वो अपराध एक दूर का ढोल है, सुहाना लगता है जब सामने से करते हैं, जब आते हैं जेल में, उसके बाद में यहाँ पता चलता है कि हम क्या गलत कर चुके हैं। और हम तो मैंने दलदल से निकल गए, चलिए बहुत दिन का बाद, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो कोई दूसरा दलदल में ना घुसे,
क्योंकि हम बता सकते हैं कि लोगों से आप मिलेंगे, देखिएगा आगे आने वाला टाइम में हम लोगों से मिलेंगे, बस्ती में मिलेंगे और उनको अपराध से मुक्त रहने के लिए मोटिवेट करेंगे और हमारा संस्था के माध्यम से, और उनको यही बोलना चाहते हैं कि अपराध मत कीजिए आप कृपया, क्योंकि अपराध में कभी अलग सुख नहीं है। अच्छे अच्छे अपराधी चले गए दुनिया से लेकिन कुछ लेके नहीं गए।